सच में फ्रेंड्स, अगर बिना किसी टिप्स को फॉलो किए हमने इसमें चाय बना डाली तो ये हाल होने वाला है। तो हमारे मूड की बैंड बजेगी, चाय की बैंड बजेगी और कैटल तो हमारी ख़राब होगी ही होगी। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि इस कैटल में चाय इजी और सेफ कैसे बना सकते हैं टिप्स को फॉलो करके। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके लिए ये यूज़फुल होगी। और अगर आप बैचलर हैं या फिर आप पिकनिक के लिए बाहर जाते रहते हैं तो हमें कई बार चाहिए होती है, फ्रेंड्स के साथ मैगी खाने का मन है या फिर चाय पीने का मन है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैटल से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ों को ध्यान रख के ही आप कैटल में उसे बना सकते हैं। तो रिव्यू वीडियो जो है मैं इसकी पहले दे चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लीज़ देखिएगा। और मैं आपको अभी टिप्स बताने वाली हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो हमारा इसका स्टेप है वो ये है कि आपको इसे जो बनाना है वो लीड लगाकर नहीं बनाना है। मतलब कि आप पानी गर्म तो कर सकते हैं इस तरह से बंद करके, बट जब आप आगे का करेंगे प्रोसेस वो मैं दिखाऊंगी आपको, तो आपको इस लीड को हटा देना होगा, नहीं तो चाय जो है वो बिल्कुल हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ये तो है हमारा लीड का फर्स्ट टिप एंड ट्रिक। और सेकंड जो है मैं बताऊंगी इस बटन के बारे में जो कि ऊपर की साइड है, उसे ऑन ऑफ करते रहना है और फिर हमें इस पे चाय बनाना है। तो ये जो कैटल है देखिए, इसके नीचे का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से ये इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसे आप यहाँ से ज्वाइंट करिए और देन जो है आप इसकी लीड को ओपन करिए। ये इस तरह से पुश करने पे ओपन होता है और कैटल जो हमारी बिल्कुल खाली है, अंदर से साफ है यहाँ पे। और फर्स्ट जो है चाय बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी, और मैं यहाँ बना रही हूँ 3 कप चाय। और तो ये देखिए, एक ऑन ऑफ का बटन ये दिखा रही थी मैं आपको, इसको ऑन ऑफ करना है आपको। ये देखिए, जैसे हम जब भी कोई गैस पे काम करते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसे उबाल देने के लिए कभी नीचे कर देते हैं, कभी उसे ऑन कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, तो सेम इसमें प्रोसेस करना है हमने। तो अभी जो है हम इसमें डालेंगे पानी चाय के लिए और यहाँ से इसे पुश करते हुए खोल देंगे। और 3 कप चाय बनाऊंगी मैं यहाँ पर। आप फिलहाल, मैं चाय की रेसिपी वैसे नहीं दे रही हूँ आपको, फिर इसमें बनाने का तरीका बता रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग पानी, दूध, चीनी, पत्ती जो भी आप डालें अपने अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1.5 कप यहाँ पे पानी लिया है। अब शायद दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, बट ये 1/2 कप है। 1 कप मैंने पहले लिया था इसमें, तो ये 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए आप लीड को लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम नॉर्मल पानी गर्म करते हैं वैसे ही करेंगे। और अब जो है मैंने इसे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये लाइट देखिए हमारी नीचे दिख रही है, रेड लाइट है, मतलब ऑन हो गई है यहाँ पे। और ये कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाएगा। देखिए, वॉइस भी सुनिएगा इसकी, देखिएगा यहाँ से जो स्टीम है वो निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो हमने यहाँ पे जो बटन है वो ऑफ कर दिया है और चेक कर लेते हैं हम पानी को। और पानी जो है बहुत ज़्यादा खोल रहा है, मतलब गर्म हो गया है, उबाल सा आ गया है इसके अंदर। बहुत ही जल्दी हीट करता है ये, तभी इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना होता है। तो ये पानी जो हमारा है गर्म, अभी हमने वहाँ पे स्विच को कर दिया था ऑफ, जो मैंने बटन दिखाया। 2 मैंने डाली है इसमें इलायची। और अब जो है साथ साथ ही हम इसमें चाय पत्ती और चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि बहुत गर्म पानी है इसमें। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें चाय पत्ती, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती का। और साथ साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो 2 चम्मच जो है मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। और ये देखिए, हालांकि बंद है और फिर भी ये खोल रहा है। ये थोड़ी देर बाद तक भी हीट करता है, इसलिए हमें काफ़ी इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब जो है चीनी पत्ती और इलायची के
जो ये है घोल को, घोल मीन्स चाय को, हम थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। और ये देखिए, ये कुछ ही सेकंड तक उबलता रहा था और मैंने जो है इसके स्विच को फिर से बंद किया। जो भी चीज़ आप इसमें डालें बंद करके ही डालें। और ये दूध डाला है मैंने इसमें अभी, तो 1.5 कप ही मैं इसमें दूध डाल रही हूँ यहाँ पे। और अब जो है हम फिर से इसको ऑन कर देंगे। ये देखिए, मैं ऊपर से जो है इसको ऑन कर रही हूँ और ये जो लाइट है हमारी, ये ऑन हो गई है फिर से। ऑन ऑफ का सिस्टम जो है हमने इस चाय के साथ रखना ही रखना है। अब थोड़ी देर के लिए, हम कुछ ही सेकंड के लिए फिर से चलाएंगे तो जो चाय है हमारी अच्छे से उबल जाए। तो ये देखिए, कुछ ही 15 से 20 सेकंड में ही जो चाय में एक अच्छा सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इसमें उबाल शुरू हो, अब मेन सारा स्टेप यही है ध्यान रखने वाला, कि जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी उबाल आना स्टार्ट हो, हम जो है जो ऊपर जो बटन दिया हुआ है उसे ऑफ़ कर दें। ये देखिए, अब इसमें आना स्टार्ट हो गया है उबाल। और मैं तुरंत ही जो ऊपर का बटन है उसको मैं ऑफ़ कर दूंगी, इससे पहले कि ये बाहर निकल जाए। इसका वेट ना करें और बटन को जो है ऑफ़ कर दें। तो यहाँ कुछ ही सेकंड ऑन ऑफ कर करके मैंने इस चाय को बनाया है। ऑफ़ की क्लिप जो है वो मोबाइल में कैप्चर शायद नहीं हुई है, कैमरा बंद हो गया था। तो आप इस तरह से ऑन करिए, फिर ऑफ़ करिए, ऑन करिए, फिर ऑफ़ करिए और चाय जो है हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक केटल में चाय बना सकते हैं। और जो लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते रहते हैं, पिकनिक के लिए जाते रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। और मैं ये कहूँगी कि अगर घर रह के आप चाय बनाना चाह रहे हैं तो आप केटल में ना ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है गैस पर ज़्यादा सेफ़ रहेगा इतना ध्यान देने की बजाय। और हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं या पीजी में रहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो आप ज़रूर बनाइए चाय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सावधानी से बनाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, अगर आप केटल से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो से रिलेटेड कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। तो हो गई है विंटर में हमारी केटल में चाय बनकर रेडी, और इन्जॉय कीजिए इसे। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।